खून सब तो बद चाह के नू है कि तुसी पंजाबी फिल्म कर रहे हो फुल फ्लेज मम्मी 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 खुश हाँ, पूरे जी अच्छा मैं चाहे नेगेटिव रहा या पॉजिटिव रहा मैं आशिक रहा ये सच है सुन तो मैं वो आशिकी नहीं छड़ी जी मेरा मेरे जड़े लोकी विलन भी कहते थे दरअसल बैठे हैं जी हां जी ऐसे लाउंज पे आके बैठे हैं अच्छा आज वेटिंग चल रही है हां वेटिंग चल रही है कुछ फ्लाइटें आ रही हैं ने जा रही हैं ने राइट 4:30 अक्टूबर में आएगी 4 अक्टूबर को फ्लाइट है ओके सो वेट थोड़ा सा लंबा हो गया है ना लंबा हो गया हूँ आ गए हैं बह गए हैं लाउंज से हूँ किधर जाइए रात सो जाएंगे इतने आर्टिस्टों का यह तो सर है कि बहुत ज़्यादा समय के मुताबिक टल जाते हैं है ना वैसे कोई यहोजी फ्लाइट याद है जिद वाकई घंटों घंटे वेट करना पै गया हो अनफॉर्चुनेटली नहीं जी अनफॉर्चुनेटली भी करते रहे अच्छा बट मैं थोड़ा एक फील जानना चाहती हाँ पंजाब के बच्चों पंजाबियों के नाल लैजेंड्स के नालों सो तुम कि फील करते हो पंजाबीयत को जी एक्चुअली मेरे घर के अंदर बहुत पंजाबी माहौल है मेरे पापा मेरी मम्मी मेरी दादी सब बंबई में पले बढ़े लेकिन दिल से पंजाबी दिल से हाँ। पूरा हाँ जी पंजाबी है बस बोलती थोड़ी कम हूँ पर सीख जाऊंगी हिंदी इंग्लिश इस पे सारा अब ज्यादा मलयालम बोलने लग गई हूँ क्योंकि वहाँ 7-8 साल से काम कर रही हूँ दिल आई थिंक पंजाबी है दिल डेफिनेटली पंजाबी है बट जो पिंडा की गल आती है जो खुले खेतों की गल आती है जो लोकल बसा की गल आती है लिफ्ट लेके जाने की गल आती है उदो जर्नी किस तरीके नॉस्टैल्जिक फील कर दो इतने आके एक्चुअली मेरी जिंदगी के ये एक हिस्सा रहा है और मैं और सारे खेतों की एक महक है तो सोचते ही अपने आई कैन फील दैट स्मेल भज के बसा के पिछे चढ़ना लिफ्ट लैके मोटरसाइकिलों बुजुर्गों ना जाना ये वाले भी सारे गीते ने पंजाब भी गीते ने दिल्ली भी गीते ने बंबई भी गीते ने फुल सवार लिया जिंदगी का है ना डट के चढ़ता तो लहंदा पंजाब जो गल आती है ना तो मिठास आती है रिश्तों की खुशबू आती है क्योंकि जिंदगी के तजर्बे के मुताबिक लहंदे तो चढ़ते पंजाब के नाल रिश्ता तो थोड़ा भी होएगा मैं पहली बार जो पाकिस्तान गया तो उस वक्त जो सांझी पंजाब का एक मेला लगा सी और जिनी मुहब्बत उन्होंने दिती कुछ सांझी नहीं सानू लग्या ही नहीं कि असी ऐसे मुल्क तो आए हैं जो कभी लड़े भी नहीं 2-3 बारी और उत्थे जा के पता लग गया कि भाई पंजाबियों ने तो कभी वंड मंगी नहीं सी बिल्कुल पर असी वंडे गए यह फिल्म किसी भी इस तरह की कोई ना सियासत की गल करती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो गल करने तो नैचुरली लगता है बंदूकों चलन गया है ना एक पास कलाकार है ना एक्टर्स की गल करिए उत्थों के कलाकार इतने आके काम कर रहे हैं इतों के कलाकार उत्थे जाना पसंद करते हैं गाने हूँ तो वर्ल्डवाइड किन्ने ज़्यादा हिट हो चुके हैं चाहे वह पाकिस्तानीज ने चाहे कलैबोरेशन चल रही ने पंजाबी फिल्म आई टुट के पैदा ने जी तो ईशा कदों फर्स्ट मोमेंट्स ने जो सर वेख के तुम्हें लग्या कि जाना तो पर देते ही है एंड डेफिनेटली आई हैव टू यू नो यही बनूंगी मैं सबको फर्स्ट टाइम सेट पे मिली हूँ हाँ जी ओके हम मेरे फादर और सर ने काम किया साथ जी हाँ जी बट मैं कभी फर्स्ट टाइम सेट पे ही मिली हाँ बट ऑन स्क्रीन जैसे आपने कभी देखा हो है ना स्क्रीन तो मैं वही उन्हें कह रही थी उनका गाना मेरे प्यार की उम्र हो कितनी सन हाँ म्यूजिकल जर्नीज तो सर तोड़ियां भी बहुत ने फिल्म में एक गल की थी जावे सर पीछे बहुत एहो जियां तोड़ी जर्नी दियां फिल्मा ने जो एक्चुअली आज भी एक बेंचमार्क सेट कर दियां ने है ना बट तुसी जदो एहो जियां फिल्मा करदे हो या देखदे भी हो केड़ी एहो जी फिल्म तोड़ी जिंदगी दी है जिहड़ी दिल चो निकालनी भी कढ़नी भी नहीं है बट वो है स्पेशल पहली फिल्म में चंद परदेसी के जी में जो मेरी जिंदगी बहुत याद रखती है ना जैसे शहीद ऊधम सिंह भीगी पलके ऊधम सिंह वारिस अगर तुम ना होते सर एक चीज़ मैंने बहुत बढ़िया लगी बहुत सारे कलाकार ने जो इतों उठ के बॉलीवुड के गए ने एंड उन्होंने अगे बच्चे भी अच्छा काम कर रहे हैं बट जे आर्या दी जूही की भी गल की जाए उन्होंने पंजाबी सिनेमा च भी इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन दिता बिलीव मी मैं किसी ने कुछ नहीं किया कि वो अपने पिछोकर नाल जुड़ते हैं ना हूँ जिस तरह ईशा ने कहे घर की मदर होने फादर होने दादी होगी किसी ने कुछ नहीं किया होना कि तू पंजाबी फिल्म कर नहीं किसी ने नहीं कहा
मस्ती करते हैं ऑफ कोर्स मजाक में कि अच्छा पंजाबी भी कर लेना मलयालम इतनी कर ली है बट तुसी क्या कि घर दा माहौल दिल तो सारे बट फॉर मी टू लर्न हां फॉर मी बिकॉज़ आई वांट टू लर्न द लैंग्वेज आई वांट टू कनेक्ट विद माय रूट्स इसीलिए मुझे पता है एक्टिंग जोड़ेगी क्योंकि गुरु रंधावा का यहाँ पे बहुत एक अच्छा नाम है और अब तो वर्ल्ड वाइड है ना तो आप उनके साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शेयर कर रहे हैं वो भी शाकोट उनका भी फर्स्ट फिल्म है एंड आपका भी यू नो गुरु की फिल्म है म्यूजिक बहुत ही अच्छा है इस फिल्म का बोलेगा नहीं बट आई डिड थिंक ही वाज अ लिटिल उसके अंदर चल रहा था कि मैं एक्टिंग यू नो मैं सिंगर हूँ मैं एक्टिंग कर रहा हूँ इस फिल्म च एक नौजवान लड़का जो हिंदुस्तान के शाहकोट च पलिया हो मतलब इतने पैदा होया जाता है बाहर के मुल्क तो पाकिस्तान तो भी एक नौजवान मुंडा बाहर के मुल्क जाता है वो दोनों फड़े जाते हैं ग्रीस उतों किस तरह दोनों मिल के वो डिपोर्ट होंगे ने क्योंकि वह भी शाहकोट वह कहता एड्रेस कहें कितने रहने लगे बोले शाहकोट दूजा कहता तू कितने रहने शाहकोट तो शाहकोट दोनों वास्ते एक समझ वाला लिखने वाला कहता है भाई पाकिस्तानी होगा क्योंकि पाकिस्तान डिपोर्ट ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੁਰੂ ਐਂਡ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਯੂ ਨੋ ਜਬ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਥੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲਿਰਿਕਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਉਨਕੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਰ ਜਬ ਹਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਤੋ ਜੋ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ੈਫ ਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕੁਝ 12 ਡੱਬੇ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੈਸਰੋਲਸ ਮੇ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾਣਾ ਲਾਏ ਤੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇ ਹਮਨੇ ਗਾਣੇ ਕੀਏ ਇਸ ਫਿਲਮ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਆਪਨੇ ਵਾਈਟ ਕੋਸਟਿਊਮ ਡਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਚ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਦ ਫਰੇਮ ਦੈਟਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰੇ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਸ਼ੇਡਸ ਨੇ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੈਲੇਂਜ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਸਰ ਐਂਡ ਈਸ਼ਾ ਤਲਵਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਪਾਰਚਰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਦਰਅਸਲ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਲਾਉਂਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਛਾ ਅਜੇ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸਾਡੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਏਗੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਵੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਲਾਉਂਜ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਰਾਤੀ ਸੌ ਜਾਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਲਾਈਟ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵਾਕਈ ਘੰਟੋ ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਏ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਸ ਇਜ਼ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਜੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਯਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਤੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਲੇਟੇ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਾਊਂਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋ 8-10 ਘੰਟੇ ਕੀ ਜੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਤਾ ਥਾ ਉਸ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ
दिन रात का सिस्टम है ना, रात नू बदलन वाला सूट वखरा है, सवेर वाला वखरा है, बट इस अटायर नू पाके मैनू लगदा है जिहड़ा नहीं भी पंजाबी हुंदा उहनू तां पंजाबी फील आंदा ही आंदा, साडी तां टौर ही वखरी हो जांदी है। बट मैं तुहाडा एक फील जानना चाहुंदी आ पंजाब दे विचों पंजाबियों दे नाल और लेजेंड्स दे नाल, सो तुसीं किद्दां फील करदे हो पंजाबीयत नू? जी एक्चुअली मेरे घर के अंदर बहुत पंजाबी माहौल है। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी दादी सब बहुत ही यू नो बम्बई में पले बड़े हैं, लेकिन दिल से पंजाबी, दिल से पूरा, हाँ जी पंजाबी है। बस बोलती थोड़ी कम हूँ पर सीख जाऊंगी। बॉम्बे में थोड़ा कम बोल चाल है ना, हाँ जी, हिंदी इंग्लिश इस पे सारा जो फोकस हो गया है, बट आई थिंक वो भी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। हमें अपनी भाषा पर फोकस करना चाहिए, दैट आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड एंड आई वुड लाइक टू। अब ज्यादा मलयालम बोलने लग गई हूँ क्योंकि वहाँ 7-8 साल से काम कर रही हूँ केरला में, बट दिल आई थिंक पंजाबी है, दिल डेफिनेटली पंजाबी है। सर मैं जिदा पहला गल कीती भई चढ़दा ते लहिंदा पंजाब जदों गल आंदी है ना ते मिठास आंदी है, रिश्तियां दी खुशबू आंदी है, ते ए मैं तुहाडे कोलो जरूर एक जानना चाहवांगी क्योंकि जिंदगी दे तजर्बे दे मुताबिक लहिंदे ते चढ़दे पंजाब दे नाल रिश्ता ते तुहाडा भी होएगा, पर ओ मिठास, ओ खुशबू, ओ रिश्ते, ओ अपनत्व, ओ प्यार, ओदे बारे जरूर दसो। बिल्कुल, मतलब एक जाती जिंदगी च वी बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस गया मेरा जी। मैं पहली बार जो पाकिस्तान गया तो उस वक्त जो सांझी पंजाब का एक मेला लगा सी, सांझा पंजाब तो पंजाबीयत जी, तो उस वक्त जिस पंजाब के बारे असी देखिया समझिया और मिले उत्थे सारे जिहड़े उत्थे दे रहण वाले सन बाशिंदे सन और जिन्नी मुहब्बत उन्होंने दिती उहदा कोई सानी नहीं, सानू लगिया ही नहीं कि असी किसी ऐसे मुल्क तो आए हैं जो कभी लड़े भी नहीं, 2-3 वारी फौजां भी लड़िया ने, और उत्थे जाके पता लग गया कि भाई दो जिहड़े सन पंजाबियों ने तो कभी वंड मंगी नहीं सी बिल्कुल, तो बल्कि सारा का सारा जड़ा फोकस सी उस कॉन्फ्रेंस का उस मेले का वही सी कि पंजाबियों ने कदों किया सी सानू वंड दे, पर असी वंडे गए हैं, तो ना दैट इज बड़ा इमोशनल सी, ये पूरा दा पूरा इतिहास जिहड़ा सी पूरी उसका सार सी उस कॉन्फ्रेंस का, तो कोशिश है वही सी कि भाई असी अपने म्यूजिक नू, अपने कला नू, अपनी जबान नू असी बचा के रखिए जी, और दोनों मुल्कां नू चाहिए कि साड़ी जो पंजाबी है साड़ा जो एक साड़ी जो विरासत है उन्हों असी ना अपनीए। राइट, और वो मैं उन्हों याद है कि मैं उस वक्त जिहड़ा सी ना तो फूड बाजार लाहौर अंदरून दे विच जी, वो बहुत बड़ा है, तो जिथे मेरा खैर 200-250 दुकाना ने जिहड़ियां सब खाने दियां ने। अच्छा, तो उत्थे अमृतसरी छोले, अमृतसरी कुलचे, कुलचे छोले, और जलंधर दा उत्थे लिखिया जलंधर का समथिंग है, तो आगरे दा पेठा जी, तो मतलब इस तरह चीज़ां, दिल्ली दी चाट तमाम है उत्थे, उन्हां दे नां सन दिल्ली वाले दी चाट जी, तो मैं शॉक्ड, मैं लिखा है ये अजे भी अपने बैकग्राउंड में नहीं भुले, तो इस तरह साढ़े अगर तुम चले जाओ करोलबाग चले जाओ या हूँ भी किधर चले गए तो भी लाहौर पेन हाउस, लाहौर वाच हाउस आपको मिल जाते हैं, अभी भी मिलते, बम्बई चले जाओ कराची कालवा, कराची स्वीट हाउस, तो ये चीज़ें अजे भी किधर ना किधर साढ़े दिमाग से साढ़े दिलों से बैठ बसिया हुई हैं। राइट, तो लोग अच्छी बातें भी सोचते हैं, तो लोग सोचते हैं कि असी सब कट्ठे होकर कट तो कट मिलिए जुलिए, लेकिन इससे बहुत सारिया चीज़ा आ जाती ने, बहुत सारे कुछ सिर्फ सियासी नहीं कुछ मसले होर भी ने जिन्हें करके चीज़ा वधिया रहिंदिया ने विच, लेकिन यह फिल्म किसी भी इस तरह की कोई ना सियासत की गल करती है ना किसी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो गल करने तो नैचुरली लगता है बंदूक चलन गया है ना, कोई तोपा चलन गया, लेकिन बमबारी होगी ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म अगर कुछ चलता है
ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਚਲਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚਲਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਲੇਅਰ ਹੈ ਬਟ ਲੇਅਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਕਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦਰਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਆ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 'ਚ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ 'ਚ ਦਾ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਸ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਔਰ ਹੀਰੋਇਨ ਜਬ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਰਾਈਟ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਹਾ ਟੀ ਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਫਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਇਹੀ ਬਣੂੰਗੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਹਮ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਔਰ ਸਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਆ ਸਾਥ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਮੈਂ ਕਭੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਬਟ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਜੈਸੇ ਆਪਨੇ ਕਭੀ ਦੇਖਾ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਤੋ ਮੈਂ ਵਹੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਨਕਾ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਉਮਰ ਹੋ ਕਿਤਨੀ ਸਨ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਜਰਨੀਸ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇਖਾ ਹੈ ਸਕਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਐਂਡ ਬਟ ਫੋਰ ਮੀ ਇਟਸ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਵੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਵਰਕ ਵਿਦ ਹਿਮ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਦੇ ਪੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਭੀ ਵੀ ਜੋ ਦਿਸ ਕਿ ਮੁਝੇ ਯੂ ਨੋ ਅਭੀ ਵੀ ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋ ਸੈੱਟ ਪੇ ਅਗਰ ਉਤਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਕੇ ਸਾਥ ਵੋ ਆਤੇ ਹੈ ਅਭੀ ਵੀ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਫੋਰ ਮੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਡਿਊਰਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਵਿਲ ਲਰਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਲਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਡ ਸਹੀ ਰਹਿਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੋ
I'm using irrespect. So, or then this is set the during shoot and all. Respect, of course, you're going to respect everybody on set. It's not only about respecting. No. I'm not talking about that. I'm talking about particular that, मतलब जिस तरह ए legend ने या जिस तरह ने तो वो acting I don't remember anything. नहीं, when I'm acting I can't remember. And okay. It's not good for an actor to remember anything except what you have come to do on set. Okay. Yeah. Okay. I think वो फिर उस वक्त वो सब आप भूल जाते हैं. For me, he's my father in the film, and I'm talking to my father, and that's what it is. It's simple. Cool. Yeah. Okay. If it's your working style, I appreciate that. Okay. So hun main tode te aana chahwangi jidda assi baar baar sun rahe hain ki ek musical love story hai, musical love story hai. Sir, piche bahut eh jiyan twadi journey diyan filmaan ne jo actually aj vi ek benchmark set kar diyan ne, hai na? But tusi jadon eh jiyan filmaan karde ho ya dekhde vi ho, kehdi eh ji film twadi zindagi di hai jehdi dil chon nikalni vi kadni vi nahi hai but oh hai special. अब से कितनी बड़िया बड़िया गल कर ली है, लेकिन जो कुछ कहते ना कि जिंदगी में कुछ दो तीन चीजें होती हैं, जब क्या वो कह लो, पहला प्यार कह लो जी, पहला काम कह लो, है ना? तो यार इस तरह दी जो चीजें होती हैं ना जिंदगी से पहली बार होया होता है वो तुहाडे वास्ते अहम होंदियां ने, वो तुहानू लगता है कि तुहाडी जिंदगी च वो जिहड़ा वेला सी वो समथिंग दिस इज ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਦੈਟ ਫੀਲਿੰਗ ਗਿਵਸ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ ਅ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਏ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਲਏ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੌਂਟਰਡਿਕਟਿਡ ਜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਲ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਲੋਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਮਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿਸੇ ਕੀਆ ਕਿ ਤੁਮ ਵਿਲਨ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਵਿਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਸਾਈਡਿਡ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਫੋਰ ਰੋਲ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਮੇਰੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਲ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੋਲ ਕਹਾਣੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਿਸ ਰੋਲ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ ਪਰ ਇਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਸੋਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੋਡੈਸਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਰੁੱਥ ਯੈਸ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਨਏ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਯੈਸ ਨਏ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੈਟਸ ਟਰੂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਬਟ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਭ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਐਸੇ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਬਿਟ ਆਫ ਨਰਵਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 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 ਪਹਿਲੇ ਬਸ ਜਸਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਾਂ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ ਸੋ ਮੇਰੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਭੀਗੀ ਪਲਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਰਿਸ
अगर तुम ना होते हो फिल्मां ने जिन्होंने मैनू एक नया डिफरेंट तरह के रोल दिते ते मैं लावा एतबार जो मतलब कभी मैं इतने कुछ कर रहा तो इतने कुछ कर रहा एकदम और एक एक दिन डबल डबल शूटिंग कर रहा मैं एक पॉजिटिव रोल कर रहा तो एक बिल्कुल ही और मैंने नैगेटिव कभी नैगेटिव सोचा ही नहीं जी। अच्छा मैं चाहे नैगेटिव रहा या पॉजिटिव रहा मैं आशिक रहा सच है सुना तो मैं वो आशिक ही नहीं छड़ी तो मेरा मेरे जिहड़े लोकी विलन भी कहिंदे सन ते उन्हां वास्ते विलन देखण च नजर आंदा होगा लेकिन मैं ते आशिक सा आई थिंक बधाई हो पंजाबी में बनानी चाहिए एंड सो शुड बी मेन लीड डन है। अच्छा मेरे ना पहला भी एक दो बार कॉन्वर्सेशन हुई जिदा आर्यन नाल भी गल हो जाती है जो मिलते हैं पंजाब आते हैं सर एक चीज़ मैंने बहुत वधिया लगी बहुत सारे कलाकार ने जो इतों उठ के बॉलीवुड के गए ने एंड उन्होंने अगे बच्चे भी अच्छा काम कर रहे हैं बट जे आर्या की या जूही की भी गल की जाए उन्होंने पंजाबी सिनेमा च भी इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन दिता ये की घर का एक माहौल होंगे या यूनो एक खिच रही है अंदरों की जे असी कलाकार हैं तो क्यों नहीं बिलीव में मैं किसी ने कुछ नहीं किया हाउ दिस थिंग केम इवन उन प्रतीक भी कर रहे हैं हाँ जी वो ही पंजाबी एक आई हैव नेवर टोल्ड जी मैं कभी नहीं किया किसी ने तुसी ये करो पर लेकिन उन्होंने लग गया और अच्छी गल है जी कि वो अपने पिछोकड़ नाल जुड़ते रहे ना उन्होंने बिना कुछ किया हुए बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलता है जी ऑडियंस नहीं गई उन्होंने वास्ते एक फूड है दे मस्ट लर्न दिस थिंग कि साढ़े जो भी रूट्स ने अस उस वापस जाइए हम जिस तरह ईशा ने ईशा ने रियलाइज किया इस गल लेकिन वो माहौल पता की होगा ये घर की मदर हो गए ये फादर हो गए ये दादी होगी वो माहौल न अंदरों अंदरों कुछ आएगी मैं आई वांट टू फील देम प्राउड यस यस लेकिन ये और किसी ने कुछ नहीं किया होना कि तू पंजाबी फिल्म कर नहीं किसी ने नहीं कहा मस्ती करते हैं हाँ ऑफ कोर्स मजाक में कि अच्छा पंजाबी भी कर लेना मलयालम इतनी कर ली है बट हाँ बट तू सीखे कि कर द माहौल दिल तो सारे नहीं बट फॉर मी टू लर्न हाँ फॉर मी बिकॉज आई वांट टू लर्न द लैंग्वेज आई वांट टू कनेक्ट विद माय रूट्स इसीलिए मुझे मुझे पता है एक्टिंग जोड़ेगी तो इसीलिए करना बट हूँ सब तो बद चाह कहनू है कि तुसी पंजाबी फिल्म कर रहे हो फुल फ्लेज मम्मी 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 खुश पूरे जी कितने कॉल्स आते हैं कि ईशा कितना इंटरव्यू हो गया क्या चल रहा है या सेट पे नहीं कॉल्स ऐसे हम बिल्कुल फोन पे बात नहीं करते अच्छा नहीं मुझे फोन पे ज्यादा बात करना पसंद नहीं क्योंकि फिर जब मिलते हैं तो फिर कोई बात होती नहीं करने तो इसलिए वो बहुत क्लियर है कि अगर बाहर गए तो बाहर है घर में तो फिर पूरे घर में ओके एक एक सवाल वैसे वो मेरा नहीं है मेरी बातें कुछ इस तरह से ही होती हैं बट एक सवाल जिसके लिए ऑडियंस बहुत ज्यादा यू नो वो रहती है क्योंकि गुरु रंधावा का यहाँ पे बहुत एक अच्छा नाम है और अब तो वर्ल्ड वाइड है ना तो आप उनके साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शेयर कर रहे हैं वो भी शाहकोट उनका भी फर्स्ट फिल्म है एंड आपका भी तो ऑन स्क्रीन एक्सपीरियंस कह लें या बॉन्ड बेसिकली मैं बॉन्ड जानना चाहूंगी आई थिंक यू नो गुरु की फिल्म है म्यूजिक बहुत ही अच्छा है इस फिल्म का जितेंद्र शाह जी ने उनका म्यूजिकल है ये गुरशब भी हैं बिल्कुल सो वो तो म्यूजिक से सब लोग जुड़े हुए हैं इस फिल्म में बट एज एन एक्टर आई डिड थिंक ही वाज अ बिट नर्वस बोलेगा नहीं बट आई डिड थिंक ही वाज अ लिटिल उसके अंदर चल रहा था कि मैं एक्टिंग यू नो मैं सिंगर हूँ मैं एक्टिंग कर रहा हूँ I did think he was a little, which is that nice kind of nervousness I'm talking about. हाँ जी हाँ जी. And I think उसी में से chemistry निकल के आती है. When I am equally nervous, I'm speaking in Punjabi. For me, you know, speaking in Punjabi, acting in another language, trying to understand the culture, trying to अलग सी film है थोड़ी. तो I think वो हम दोनों के बीच में था. तो हम constantly explore कर रहे थे. And उसी में I think कुछ निकल के आया है. अच्छा shoot वगैरह किता है. Set का माहौल हो गया. कुछ पिंडा ना माहौल हो गया कुछ क्रिएट किया गया होएगा कुछ एक्चुअल दे विच होएगा केड़ियां केड़ियां चीजां नु वेख के अंदर वाली पंजाबियत छाला मार रही सी ता आई थिंक गुरु एंड गुरशबद यू नो जब शूट भी नहीं कर रहे थे वो गाने बना रहे थे अच्छा हाँ वो कोई लिरिक्स लिख रहे हैं उनके दोस्त आ जाते हैं फिर वो पूरा वो एक माहौल
चल रहा था, व्हिच आई थॉट वाज वेरी नाइस कि यू नो फिल्म शूट हो रही है उसके साथ साथ वो अपने गाने भी कर रहे हैं, कुछ फिल्म के भी कर रहे हैं, कुछ अपने भी कर रहे हैं. सर जब हम कश्मीर में शूट कर रहे थे तो जो लाइन प्रोड्यूसर थे वो बहुत अच्छे शेफ थे. एक दिन वो कुछ 12 डब्बे इतने बड़े बड़े कैसरोल्स में हमारे लिए कश्मीरी खाना लाए. सो यू नो जस्ट वेरी स्मॉल लिटिल थिंग्स जब आप ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगहों पर शूट करते हैं एंड पहाड़ियाँ चढ़ चढ़ के गाने ग्लैमरस बहुत लगते हैं, पर फिर वो बड़ी बड़ी जो पहाड़ियाँ आप चढ़ के जा रहे हैं उन्हें ऊपर जाके शूट करते हैं. तो कश्मीर में हमने गाने किए हैं इस फिल्म के. आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है एक मोशन पिक्चर है, आपने व्हाइट कॉस्ट्यूम डाला है, बहुत ही रिच, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है इन द फ्रेम. दैट्स कश्मीर की खूबसूरती आपके साथ साथ. बट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सेम. एंड सर थोड़े नाल एक गल बहुत जरूरी करनी चाहवांगी. तुसी पंजाब दे विच आए हो, मुंबई दे विच रहने हो, ऑब्वियसली गल यूज टू हो चुके होंगे उस रोजमर्रा जिंदगी दे. बट जदों पिंडां दी गल आंदी है, जदों खुले खेतां दी गल आंदी है, जदों लोकल बसां दी गल आंदी है, लिफ्ट लैके जाण दी गल आंदी है, उदों जर्नी किस तरीके दे नाल नॉस्टैल्जिक फील करदे हो इत्थे आके? मेरे वास्ते जिंदगी में खुद जी जी ऐसा नहीं है कि मैं इमेजिन करूं. तो नेचुरली मेरी जिंदगी के ये एक हिस्सा रहा है और मैं उसको बखूबी जानना और उसका उसकी प्यार नु भी मैं महसूस करना और वो सारे तरीके ते सारे रस्ते और सारे खेतां दी एक जो महक है तो सोचते ही अपने आई कैन फील दैट स्मेल. राइट. पर तुसी जिद्दां क्या कि मतलब ये सारा कुछ होया है ना, भज के बसां दे पिछे चढ़ना, लिफ्ट लैके मोटरसाइकलां ते बुजुर्गां नाल जाना, ए वाले भी सारे कीते ने. पंजाब भी कीते ने, दिल्ली भी कीते ने, मुंबई भी कीते ने. फुल सवार लिया जिंदगी दा है ना, डट के. इसलिए हमेशा देख के भी इदां लगदा ते सुन के भी इदां लगदा कि तुसी जिंदगी नूं हमेशा जिउंदे हो ते कहंदे भी इही हो. बिल्कुल. ते हुण शाहकोट दे विच बाकी देखांगे कि किस तरीके दे नाल एक म्यूजिकली राइड नूं तैयार कीता गया सिनेमा दे थ्रू. एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड बहुत प्यार सत्कार सर तुहानूं हमेशा दी तरह एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. ऑलवेज प्लेजर टू हैव. थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट. सो पंजाबी फिल्म आ रही है शाहकोट, असीं सारे बड़े एक्साइटेड हाँ. बेसिकली उस दे विच ए तां वजह है ही है कि सारे एक तो एक है ना साडे फेवरेट्स ने, पर आई एम श्योर जदों गल लेंदे चढ़दे पंजाब दी आंदी है, यानी कि साडे पंजाब दी, ते चाह वखरा हो ही जांदा है. ऑब्वियस जी गल है ए है. ते हुण ये चाह असीं बना के रखना है 4 अक्टूबर तक, क्योंकि फिल्म देखने तो बाद चाह होर ज़्यादा बढ़ जाएगा. उदों तक दे लई टीम नू एंड फिल्म नू सिनेमा नू प्यार दिओ, अच्छे सिनेमा नू जरूर सपोर्ट करो, अपना ते अपने दा रखो ख्याल. फिलहाल दे लई मैनू दिओ इजाज़त. सत श्री अकाल.